या तो मान लो पापा या झेल लो छापा, ये चल रहा है। इसके विरुद्ध हमारी आवाज है। पापा झेल लो छापा। हाँ, या तो पापा मान लो या तो झेल लो छापा, यानी बीबीसी को पापा, देश के, या तो मान लो पापा या बीबीसी को पापा मान ले, क्यों? नहीं नहीं नहीं, या पापा, या तो मान लो। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। मानो बाप नहीं तो छापा गया, ठीक। मानो पापा नहीं तो, मानो तो पापा नहीं तो, हकीकत में जानते क्या है, इनकी और बीबीसी में एक संबंध है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन का पापा कौन है? मातृ संगठन ब्रिटिश सरकार। कांग्रेस का संस्थापक कौन था? एलेन ऑक्टोवियम ह्यूम, जो ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी था, तो वो क्या था? समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? वैसे और एक लाइन अगर आपकी अनुमति हो तो बोल दूं। जी जी जी, ये वही पाकिस्तान है जहां मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद जाके कहे थे मोदी को हराना है तो आप लोग साथ में आइए। देखिए पाकिस्तान का नाम आता ही दिल में कैसे फीलिंग आ जाती है। अरे कैसे आलोचना कर दी पाकिस्तान, ये दरिया दिली और हमारे साथ संग दिली। ठीक है, अब चरण सिंह छापरा, अरे सर छापरा जी बोल रहे, अब तो भाजपा भी कह रही है कि छापरा जी को बोलने दीजिए, अब आप थोड़ा शांत होइए महाराज, आप ही को प्रवक्ता समझ रहे हैं। ऐसा है, सवाल ये है, सोरोसो जो है वो इस देश की राजनीति को नहीं चला सकता, ये पहली बात है, और कांग्रेस ने भी ये कहा। हम तो ये कहते हैं जो इस देश के अंदर चल रहा है, या तो मान लो पापा या झेल लो छापा, ये चल रहा है। इसके विरुद्ध हमारी आवाज है। पापा झेल लो छापा। हाँ, या तो पापा मान लो या तो झेल लो छापा, यानी बीबीसी को पापा, देश के, या तो मान लो पापा या बीबीसी को पापा मान ले, क्यों? नहीं नहीं नहीं, या पापा, या तो मान लो। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। पापा या झेल लो छापा। राजकुमार भाटी, ये जब इनकी सत्ता खतरे में आती है, जब इनका बहुमत खतरे में आता है, जब इनके खिलाफ देश में जनाक्रोश होता है, जनविरोध होता है, फिर ये पाकिस्तान, मुसलमान, अमेरिका और चीन इनकी आड़ में छिपते हैं। अब ये पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो मोदी तो बहुत देश को आगे ले जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका का षड्यंत्र है, और उस अमेरिका को बुला के हाउडी मोदी करते हैं, या वो करते हैं क्या, नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप करते हैं, उसी चीन के राष्ट्रपति को झूला झुलाते हैं, उसी पाकिस्तान में बिना कार्यक्रम के पहुंच जाते हैं, उन्हीं लोगों से पींगे बढ़ाते हैं। ये केवल मनोवैज्ञानिक खेल और कुछ भी नहीं है। इस देश में जो भारतीय जनता पार्टी, आपको क्या लग रहा है, मैं आपसे सवाल, जन विरोधी नीतियां जो बोल रहा है, ये किस पे मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहा है? जॉर्ज सोरोस ने जो बोला, ये केवल भक्तों के समर्थन को बचाए रखने के लिए, कहीं भक्त ना भड़क जाएं। जॉर्ज सोरोस मतलब जनता तो भड़क रही है, जॉर्ज सोरोस को भी मोदी का इंटरव्यू करें? नहीं नहीं, हमारे चुनाव में, हमारे लोकतंत्र में, हमारे मतदान में कोई बाहर का आदमी क्यों हस्तक्षेप करे? एग्जैक्टली, आपकी बात सही है, जायज है, लेकिन जॉर्ज सोरोस ने ये बोला। लेकिन मैं कहना, लेकिन जॉर्ज सोरोस जो बोल रहा है, विपक्ष की कुछ नेता बोल रहे हैं, दोनों मिल कैम्ब्रिज एनालिटिका ने क्या किया था, वो भी तो बाहर के ही थे। आपने, सुधांशु जी ने और हमारी सरकार ने एक भी शब्द अभी तक ये नहीं कहा है कि जॉर्ज सोरोस कोई हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। स्मृति ईरानी क्या कहती हैं? भारत के लोकतंत्र में दखल देने की कोशिश हुई है, लोकतांत्रिक ढांचे को हिलाने की पुरजोर कोशिश की गई है, जॉर्ज सोरोस के सीधे निशाने पर नरेंद्र मोदी है, पीएम मोदी ऐसे गलत इरादों के सामने सिर नहीं झुकाएंगे। जवाब, देखिए ये देश तो नहीं है, निशाने पर नरेंद्र मोदी हो सकते हैं, बीजेपी हो सकती है। ये कह रहे हैं कि हम ये विषय को ला रहे हैं, हिंडनबर्ग, बीबीसी और जॉर्ज सोरोस, उनके साथ मिले सुर मेरा तुम्हारा तो आप कर रहे हैं, फिर सुर बने हमारा कर रहे हैं, और आरोप हम पे लगा रहे हैं। अरे आप मत बोलिए, उसके ऊपर सारा मामला खत्म हो जाता है, उनके सब मामला ठंडा हो जाता, मगर आप ही बोल रहे हैं। मगर अफसोस अब क्या हो रहा है, ये कह रहे थे कि जो हमारी विदेश नीति में बहुत सारी बातें बोलते थे, तो सब छोड़ दीजिए, मगर एक हम मजेदार बात बताएं, इन्होंने तो हम पे आरोप लगाया था ना कि हाउडी मोदी में मोदी जी अमेरिका में जाके हस्तक्षेप कर रहे हैं। नमस्ते, नहीं नहीं, आपने कहा था हाउडी मोदी में आपकी बार ट्रंप सरकार क्यों बोल दिया था। मैं तो कहना चाहूंगा, कभी कभी इल्जाम भी बड़े हसीन होते हैं। इनके जमाने में ये इल्जाम लगता था कि CIA या अमेरिका हमारे देश के चुनावों को प्रभावित कर रहा है, अब अगर ये बोल रहे हैं कि इनको लगता है कि हम उनके चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं, तो ये तो इल्जाम ऐसा इतना हसीन है कि आपको इस्तकबाल करना चाहिए कि हमारी ये हैसियत हुई कि कोई मेरे बारे में ये सोचे, मोदी जी के बारे में। इसलिए मैं एक और बात कहना चाहूँ, देखिए समस्या की बात क्या है, विदेश से किसी भी प्रकार की कोई बात हो, याद करिए जब नवाज शरीफ ने मनमोहन सिंह जी के बारे में बोला था,
तो मोदी जी ने चीफ मिनिस्टर क्या बोला था जब देहाती औरत शब्द बोला था मनमोहन सिंह जी के बारे में? मोदी जी ने कहा था 120 करोड़ भारतीयों के बारे में बोलने वाला कौन होता है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री? बिल्कुल, हम उनको जो कहना कहेंगे, हम मनमोहन सिंह कहेंगे, कुछ कहेंगे, मगर हम कहेंगे बाहर वाला कौन होता बोलने वाला, ये जाके मोदी जी ने अपना प्रमाण दिया था। और मैं याद दिलाना चाहता हूं 95 में जब जिनेवा में पाकिस्तान विषय ह्यूमन राइट्स का इशू लेके आ रहा था कश्मीर को लेकर, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी नेता प्रतिपक्ष के रूप में गए थे और सारा क्रेडिट नरसिम्हा राव सरकार को दिया था, अंदर आके हमें जो कहना होगा कहेंगे पर बाहर वाले को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मगर अफसोस, लेकिन चरण सिंह जी के मुंह से एक शब्द निकल गया था, मानो बाप नहीं तो छापा गया, ठीक, मानो पापा नहीं तो, मानो तो पापा नहीं तो, हकीकत में जानते क्या है, इनकी और बीबीसी में एक संबंध है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन का पापा कौन है? मात्र संगठन ब्रिटिश सरकार। कांग्रेस का संस्थापक कौन था? एलेन ऑक्टोवियम ह्यूम, जो ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी था। तो वो क्या था, समझ रहे हो आप?